Dear students, today we are going to start a new chapter of the book A Pact With Sun, A Tale of Two Birds. So, A Tale of Two Birds. Ek kahani, A Tale of Two, Do Birds. Chidiyaon ki kahani. To chaliye shuru karte hain. A mother bird and her two young ones lived in a forest. How beautiful it is. एक माँ चिड़िया एंड हर टू यंग वंस और उसके दो छोटे बच्चे लिव्ड इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में रहते थे. द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. जो माता है वो एक तूफान में मारी गई एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड और जो छोटी चिड़ियाएँ थी वो अलग हो गई फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से. Separated means अलग या जुदा. Each found a different home. दोनों को एक different मतलब अलग भिन्न भिन्न घर मिला. अलग अलग जगह दोनों पहुंचे. अब कैसे पहुंचे ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. There वहां पर रहते थे एक चिड़िया और उसके दो नवजात न्यूबॉर्न मीन्स नवजात बच्चे इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड द ट्री दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट. दे हैड अ नेस्ट उनका एक घोंसला था इन अ टॉल एक बड़े शेडी छायादार पेड़ पर. एंड देयर वहां पर जो माता चिड़िया है वो टेक केयर दोनों का ख्याल रखती थी. टेक केयर मतलब टुक केयर मतलब ख्याल रखती थी ऑफ हर लिटिल वंस अपने छोटे बच्चों का डे एंड नाइट सुबह दिन में और रात्रि में. वन डे एक दिन देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म वहां पर एक बहुत तेज तूफान आया. देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन. थंडर लाइटनिंग मीन्स तूफानी बिजली. देर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज और हवा ने ब्लू डाउन गिरा दिए अपनी तेज हवा के झोंके से बहुत सारे पेड़. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड वो जो ऊंचा पेड़ था जहां पर चिड़ियाएं रहती थी ऑल्सो केम डाउन वो भी नीचे आ गया. अ बिग हैवी एक बड़ी भारी A big, heavy, भारी branch, शाखा hit the nest. वह घोंसले से जा टकराई and killed the bird. और उसने माता चिड़िया को मार दिया उसकी जान ले ली. Fortunately for the baby birds, जो छोटी चिड़ियाएं थी उनके लिए भाग्य से the strong wind blew them away. उसने उन्हें उड़ा दिया to the other side of the forest. जंगल के दूसरे छोर पर. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड उनमें से एक आ गिरी एक गैंग समूह के पास एक केव एक सुरंग एक गुफा के पास जहां जो कि गैंग ऑफ रॉबर्स जहां पर रहते थे. द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम उनमें से दूसरी एक ऋषि के आश्रम के पास लिटिल डिस्टेंस अवे कुछ दूरी पर ही पहुंच गई. तो दोनों देखे कितनी अलग अलग जगह पर पहुंची एक तो रॉबर्स चोरों की गुफा के पास और एक ऋषि के आश्रम के पास. यही इस कहानी का एक बहुत बड़ा मैसेज इसी वजह से मिलता है कि ये जो दोनों चिड़िया हैं बहुत अलग अलग जगहों पर पहुंची हैं. डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम Big birds. One day, a king of the country came to forest to hunt. Days passed, din bite, and the baby birds, jo choti chidiyaen thi, become big birds. Wo ab badi ho gayi. One day, ek din, the king of the country, jo raja tha, desh ka, came to the forest. Wo jungle mein aaya to hunt, shikar ke liye. He saw a deer. Usne ek hiran ko dekha. And rode after it और उसके पीछे भागा. Rode after it उसके पीछे उसने अपने घोड़े से उसके पीछे तेज तेज भागा.
इट रैन डीप इन द फॉरेस्ट. जो हिरन थी वो जंगल में, गहरे जंगल में भागी, फॉलोड बाय द किंग, और राजा भी उसके पीछे भागा. सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज. जल्दी ही जो राजा है वो अपना रास्ता भूल गया, एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज, और उसे पता नहीं था कि वो कहाँ पहुंच गया है. ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. अब ही रोड फॉर द लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक चलता रहा, जब तक कि ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जब तक कि वो जंगल के दूसरे छोर पर नहीं पहुंच गया. वेरी टायर्ड, टायर्ड मैंने थका हुआ होना, वो बहुत थका हुआ था. बाय नाउ, अब तक वो बहुत थक गया था. ही गॉट ऑफ, वह उतर गया अपने घोड़े से, हिज हॉर्स, एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया. दैट स्टूड नियर अ केव, जो कि उस गुफा के पास था जहां पर वो चिड़िया गिरी थी. सडनली ही हर्ड, अचानक से उसने सुना, अ वॉइस क्राई आउट, एक आवाज जिसने क्या कहा, क्विक, जल्दी करो, हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, जल्दी आओ और उसके जवाहरात ले लो, एंड हिज हॉर्स, और उसका घोड़ा, हरी, और एल्स ही विल स्लिप अवे, नहीं तो वो आप तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा. स्लिप अवे, हाथ से निकल जाना, फिसल जाना. द किंग वॉज अमेज्ड, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ. ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग. उसने देखा कि उस पेड़ पर जिसके नीचे वो बैठा है एक भूरे रंग की बड़ी चिड़िया है. ही हैज हर्ड फैंट नॉइज इशूइंग फ्रॉम द केव, उसे गुफा के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हुई. हर्ड फैंट मतलब हल्की, हर्ड मैंने सुनना, नॉइजेज आवाजें, इशूइंग आती हुई फ्रॉम द केव, गुफा के अंदर से उसने सुनी. ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वह जल्दी से अपने घोड़े के ऊपर बैठा, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और बड़ी तेजी के साथ वो चल पड़ा जितना तेज वो चल सकता था. सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम. जल्दी ही वो एक जगह पर पहुंचा जहां जो कि लगती थी एक आश्रम की तरह. इट वॉज द ऋषिज आश्रम. अब ये उस ऋषि का ये आश्रम है जो जिस ऋषि के आश्रम के पास दूसरी चिड़िया पहुंची थी. द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, जो राजा है उसने अपने घोड़े को बांध दिया एक पेड़ से, एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और उसकी छाया में बैठ गया. सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस, जल्दी ही अचानक से उसने सुनी एक जेंटल वॉइस, एक सभ्य आवाज, अनाउंसेस, जिसने घोषणा करी, वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है. सर प्लीज गो इनसाइड, आप अंदर जाइए एंड रेस्ट, और आराम कीजिए. द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि हैं वो जल्दी ही आते होंगे. देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, पॉट में कुछ ठंडा पानी है, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आप उस पानी को पीजिए, अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए, आराम कीजिए, सुखद महसूस कीजिए. कंफर्टेबल का यहां पर मीनिंग होगा सुखद महसूस कीजिए. द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, जो राजा है उसने ऊपर देखा, सॉ अप, लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड, उसने एक भूरे रंग की बड़ी चिड़िया देखी, इन द ट्री, पेड़ पर. ही वॉज अमेज्ड, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, उसने खुद से कहा कि ये जो चिड़िया है ये तो बिल्कुल उस चिड़िया की तरह लगती है जो बाहर गुफा के बाहर थी. ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने अपने आप को कहा जोर से, यू आर राइट सर, यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड, चिड़िया ने कहा जो आश्रम में थी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, अब वो बन गया है दोस्त किसके साथ, रॉबर्स के साथ, चोरों के साथ. ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो बिल्कुल वैसे ही बात करता है जैसे कि वो रॉबर्स बात करते हैं. ही डज नॉट टॉक टू मी एनीमोर, अब वो मुझसे बात नहीं करता. जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, उसी क्षण जो ऋषि हैं वो आश्रम में आए. वेलकम सर, आपका स्वागत है, ही सैड, उन्होंने कहा टू द किंग, राजा से, प्लीज कम इनसाइड, अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और घर में अपने आप को पाइए, आप घर जैसा महसूस कीजिए. यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लगते हैं, रेस्ट फॉर अ वाइल,
कुछ देर के लिए आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप जो मेरा भोजन है उसे बांट सकते हैं, फिर हम भोजन करेंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि, राजा ने ऋषि से कहा, द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, उन दो चिड़ियाओं की कहानी, एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, थो दे लुक्ड सो अलाइक। राजा ने कहानी कही ऋषि से कि कैसे वो जो दोनों चिड़ियाएं हैं जो एक जैसी लगती हैं बिहेवियर में, अपने व्यवहार में, सो डिफरेंटली, कितनी अलग हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड, उसने कहा कि जो जंगल है ये आश्चर्यों से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड, जो पवित्र व्यक्ति हैं, जो ऋषि हैं, वो स्माइल, वो मुस्कुराए और एंड सेड, उन्होंने कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कोई भी व्यक्ति उस कंपनी से ही जाना जाता है, उस संगति से ही जाना जाता है जिसमें कि वो रहता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, उस चिड़िया ने हमेशा सुनी है चोरों की बातें। ही इमिटेट्स, वो नकल करता है देम, उनकी, एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, वो जो चिड़िया है वो नकल करती है उन चोरों की और हमेशा बात करती है लोगों की चोरी करने की। दिस वन हैज रिपीटेड वट ही हैज ऑलवेज हर्ड, और ये जो मेरे आश्रम के बाहर है, वट ही हैज ऑलवेज हर्ड, ये हमेशा रिपीट करती है जो इसने सुना है। अब आश्रम में कैसी चीज सुनी जाएगी, अच्छी चीजें, सद चीजें, तो ये हमेशा अच्छी चीजें ही रिपीट करती है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये जो चिड़िया है ये हमेशा आश्रम में लोगों का स्वागत करती है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब उन्होंने राजा से कहा कि अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस, मैं आपको इस जगह के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगा, एंड दीज बर्ड्स, और इन चिड़ियाओं के बारे में भी। तो ये इस चैप्टर का मैसेज है कि जिस भी तरह की संगति में आप रहते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास की संगति अच्छी होनी चाहिए, और बल्कि हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दोस्तों को एक अच्छी संगति प्रदान कर सकें। अगले चैप्टर में हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उनको देखेंगे और उनको सीखने की कोशिश करेंगे।